नमस्कार, आप देख रहे हैं एजे टीवी। जहानाबाद शहर में पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे अपराधी, दो दिनों में दूसरी हत्या की घटना को दिया अंजाम। जहानाबाद में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग और बेहतर पुलिसिंग का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। दो दिन पहले ठेकेदार चंदन की हत्या हुई थी। अभी ये मामला सुलझा भी नहीं था कि गुरुवार की शाम शहर के स्टेट बैंक के समीप फिरोज नामक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। साथ में बाइक पर सवार शफीक, वहां पे मौजूद लोगों की मदद से फिरोज को सदर अस्पताल जहानाबाद पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथी ने बताया कि फिरोज अहमद शेख आलम चक जहानाबाद का रहने वाला था। रात लगभग 8 से 9 के बीच में डीएम ऑफिस के तरफ से जहानाबाद बाजार लौट रहा था, तभी आदित्य विजन के पास मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक ने गोली मार दी। आसपास के लोगों को पहले तो लगा कि टायर फटा है, लेकिन जैसे ही फिरोज निढाल होकर के रोड पर गिर गया और सर से खून के फवारे निकलने लगे, तो समझते देर नहीं लगी कि गोली लगी। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, टाउन थाने की पुलिस जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंच गई। इधर दो दिनों के अंदर लगातार दूसरी हत्या से शहर में दहशत फैल गया है।